संथल जनजाति से जुड़ी बातें। चंद दिन पहले तक आम गांव की शेड़ी वाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गांव बेहद खास हो गया है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की बेटी द्रौपदी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति जो बन गई है। द्रौपदी संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं। गोंड और भील के बाद संथाल देश का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। आइए जानते हैं संथाल आदिवासी समुदाय के बारे में। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहते हैं सबसे ज्यादा संथाल। संथाल को संताल के नाम से भी जाना जाता है। संथा का मतलब काम और आला का मतलब मैन होता है, यानी शांत व्यक्ति। संथाल समुदाय के ज्यादातर लोग झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले से आती हैं, जहां बाकी राज्यों की तुलना में बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोग रहते हैं। माना जाता है कि नॉर्थ कंबोडिया के चंपा साम्राज्य से इनका ओरिजिन हुआ है। आपको बता दें, संथाल 4000 से 3500 साल पहले भारत में उड़ीसा के तट पर पहुंचे थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह एक घुमंतू समूह था, जो धीरे धीरे बिहार, उड़ीसा और झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बस गया। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। इस भाषा को संथाल विद्वान पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिक्की नामक लिपि में लिखा है। ओल चिक्की लिपि में संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथाली के अलावा वे बंगाली, उड़िया और हिंदी भी बोलते हैं। संथालों की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट। आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट के अलावा अन्य राज्यों में रहने वाले जनजातीय समुदायों की लिटरेसी रेट कम होती है, लेकिन संथालों में यह सबसे ज्यादा है। इसकी वजह है कि यह समुदाय 1960 के दशक से ही स्कूली शिक्षा के प्रति जागरूक था। यही कारण है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की दूसरी जनजातियों की अपेक्षा में संथाल की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। 55.5% संथाली लोग पढ़े लिखे हैं। इसका असर यह हुआ है कि समुदाय के कई लोग क्रीमी लेयर की सीमा से भी ऊपर उठ चुके हैं। संथालों में 12 तरीकों से होता है विवाह। अदाय या रायवर बापला। संथाल जनजाति में दोनों पक्षों के पेरेंट्स की सहमति से होने वाला विवाह, टुमकी दिपिल बापला। इसमें कम खर्चे का प्रचलन, यानी बारात में भोज नहीं होता। गरीब संथालों में यह प्रचलित है। अपाड़गिर बापला या अंगीर बापला, एक प्रकार का प्रेम विवाह। शादी के बाद अनजान जगह पर रहते हैं। बच्चे के जन्म के साथ ही विवाह को मान्यता मिलती है। और अदेर बापला, जब किसी लड़के और लड़की के बीच शादी से पहले संबंध बन जाता है तो लड़का जबरदस्ती लड़की को अपने घर लाकर विवाह रचाता है। नीर बोलोक बापला, संबंध बनाने के बाद अगर लड़का शादी से इनकार करता है तो लड़की जबरदस्ती लड़के के घर रहने के लिए चली जाती है। इतुत बापला, इसमें लड़का अपनी पसंद की लड़की की मांग में जबरन सिंदूर भर देता है। हिराम चेतान बापला, पत्नी से बच्चे नहीं होने पर पति दूसरा विवाह कर सकता है। घरदी जवाय बापला, इसमें लड़की का भाई नाबालिग होता है। ऐसे में लड़के को 5 साल तक घर जमाई बनकर रहना होता है। गोला यटी बापला, इसमें लड़के व लड़की आपस में भाई बहन होते हैं, यानी दो बहनों की दो भाइयों से शादी। जवाय किरिंज बापला, गर्भवती महिला से शादी करना। बच्चे को पिता का नाम देने के लिए पुरुष को विवाह के लिए खरीदा जाता है। घर जवाय बापला, लड़की का कोई भाई और ना गोतिया होता है। लड़की अपने संबंधियों के साथ बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है। लड़के को घर जमाई बनना पड़ता है। सहाय बापला, इस प्रकार के विवाह में सिंदूर के स्थान पर तेल का प्रयोग होता है। संताल विद्रोह के पूर्व इस प्रकार का विवाह देखने को मिलता था। महिलाओं को होता है तलाक देने का अधिकार। संथाल समाज में तलाक को तैबू की तरह नहीं देखा जाता, यानी यहाँ पर तलाक देने पर कोई रोक नहीं है। महिला पुरुष में से कोई भी तलाक दे सकता है। एक संथाल व्यक्ति अपनी पत्नी को उस स्थिति में तलाक दे सकता है जब वह डायन साबित हो जाए या उसकी आज्ञा का पालन ना करे। वहीं एक संथाली महिला अपनी देखभाल नहीं कर पाने,
साथ ही किसी अन्य पुरुष से शादी करने की इच्छा के आधार पर तलाक दे सकती है। हालांकि जिस व्यक्ति से महिला दूसरी शादी करती है उसे पहले पति को हर्जाना देना पड़ता है। साथ ही संथाल समाज की बहुएं घूंघट नहीं करती हैं। पत्नी के गर्भवती होने पर पति नहीं करते शिकार। संथाल समुदाय में पति के लिए कुछ अनूठे नियम भी हैं, जिसका पालन करना उनके लिए बेहद जरूरी है। जैसे पत्नी के गर्भवती होने पर पति किसी जानवर को नहीं मारता और अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता। करम होता है संथालों का प्रमुख त्यौहार। संथाल का प्रमुख त्यौहार करम होता है, यह सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है। इसमें वो अपने पैसे को बढ़ाने और सभी शत्रुओं से मुक्त करने की कामना करते हैं। संथालों के बीच शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद अपने घर के बाहर करम के पेड़ लगाने की परंपरा है। महिलाओं के टैटू बनाने की है परंपरा। अपने सामाजिक उत्थान के बावजूद संथाल आमतौर पर अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं। वे प्राकृतिक के उपासक हैं और उन्हें अपने गांव में जहेर में पूजा करते देखा जा सकता है। इनकी पारंपरिक पोशाक पुरुषों के लिए धोती और गमछा और महिलाओं के लिए एक शॉर्ट चेक साड़ी आमतौर पर नीली और हरी होती है। साथ ही महिलाएं टैटू भी बनवाती हैं। दामोदर नदी में ही विसर्जित की जाती हैं अस्थियां। दामोदर नदी का संथालों के धार्मिक जीवन में विशेष महत्व है। जब किसी संथाल की मौत होती है तो उसकी अस्थियों को दामोदर नदी में ही विसर्जित किया जाता है। विशेष रंग की वजह से पहचाने जाते हैं संथालों के घर। संथाल के घरों को ओल्हा कहा जाता है। उनके घर की बाहरी दीवारों पर तीन रंग से एक विशेष पैटर्न बना होता है। नीचे के हिस्से को काली मिट्टी, बीच के हिस्से को सफेद और ऊपरी हिस्से को लाल रंग से रंगा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।